बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असमत यार है, आप देख रहे हैं असमत व्लॉग्स। आज मैं आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ सुजुकी GD 110 S का। ये मैंने 5-6 माह पहले लिया था और अब तक ये तकरीबन 4355 किलोमीटर चल चुका है। तो अगर इससे सबसे पहले इसकी बात स्टार्ट करते हैं हम दाईं साइड की असम्बली से। ये किल स्विच है, बाइक ऑन ऑफ करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किल स्विच के साथ इस असेंबली के ऊपर ये पार्किंग लाइट ऑन और ये मेन लाइट ऑन करने का बटन है। इसके नीचे ये सेल्फ स्टार्ट का बटन है और इसको ऑन करेंगे तो ये सेल्फ आपका काम करेगा। यहाँ से बंद करेंगे तो बाइक बंद हो जाएगी। और अगर लेफ्ट असेंबली पर आएँ तो बाईं असेंबली के ऊपर सबसे पहले ये डिपर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये डिपर इसके ऊपर काम करता है। उसके बाद ये लाइट अप डाउन करने के लिए बटन है, ये इसकी चोक, ये इसके इंडिकेटर का बटन। राइट करेंगे तो आपका जो है इंडिकेटर ऑन हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे करेंगे तो लेफ्ट इंडिकेटर ऑन होगा, दरमियान में प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। इसके नीचे इसका जो है हॉर्न का बटन है, हॉर्न जो है मैंने इसका थोड़ा लाउड है, बड़े वाले लगवाए हैं। उसके बाद मीटर की अगर बात करें तो ये इसका मेन मीटर है। इसके अंदर ये आपकी जितना माइलेज है, जितना आपका बाइक जितने किलोमीटर चला है वो शो करता है। और ये ट्रिप मीटर है, इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं कि आप मतलब कितना सफ़र करके हैं। आज ये बाइक जो है 57 किलोमीटर चली है, 58, तो आप इसको इस नॉब की मदद से इसको ज़ीरो भी कर सकते हैं, ये ज़ीरो। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो ये पहला गियर, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। ये 110 सीसी है तो इसके अंदर टोटल 4 गियर कंपनी ने दिए हैं, वो चारों जो आपको इसके अंदर इंडिकेट होंगे इसके मीटर के अंदर। और न्यूट्रल करेंगे तो यहाँ पे न्यूट्रल की लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद राइट लेफ्ट इशारा और ये राइट इंडिकेटर। उसके बाद यहाँ पे एक और लाइट ऑन होती है, जैसे आप इसको ऑन करेंगे, हाई बीम ऑन करेंगे तो इसकी हाई बीम की लाइट ऑन हो जाएगी। सेकंड मैंने इसके अंदर यहाँ पे ये बटन एक स्विच लगवाया था, ये वाटर प्रूफ है टोटल। इसके ऊपर मैंने चारों इशारे रखवाए हुए, ये प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर आपकी जो है बाइक के चारों इशारे ऑन हो जाएंगे, हैज़र्ड। और इसके ऊपर अगर बात करें तो ये फॉग लाइट्स जो हैं उनके लिए बटन है, उस पर इस्तेमाल करता हूँ, और ये डिपर के तौर पे इस्तेमाल होता है। या आप इसको सेल्फ या किसी भी वन टाइम पुश के लिए आप इसको रख सकते हैं, ये जस्ट पुश बटन है। ये बिल्कुल वाटर प्रूफ है, इसके अंदर कोई पानी नहीं जाता। इसको मैंने चौधरी ऑटो से मंगवाया था, साथ ही मैंने इस पर ये एक मोबाइल होल्डर लगवाया। इस मोबाइल होल्डर के ऊपर आप अपना मोबाइल लगा के चार्ज भी कर सकते हैं और नेविगेशन के लिए भी आप अपने मोबाइल को यहाँ पे लगा के नेविगेशन जो है गूगल मैप वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड, ये मैंने इसके अंदर एक रिमोट किट लगवाई थी, ये उस रिमोट किट की की है। इसको अगर आप 2 टाइम प्रेस करेंगे तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी, ये देखें, और इससे आप प्रेस करेंगे तो बंद हो जाएगी। इसको 2 टाइम आपने प्रेस करना तो ये बाइक स्टार्ट हो जाती है, और ये प्रेस करेंगे तो ऑफ। न्यूट्रल की लाइट भी साथ ही ऑन जाएगी, ये की है, ये न्यूट्रल ऑन, और ये जैसे प्रेस करेंगे न्यूट्रल ऑफ। ये इसका जी फ्यूल टैंक हो गया, इसके अंदर आप की को दबा डालें,
की लगाने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे प्रेस करके आप इसे ऊपर ओपन कर लेंगे फ्यूल टैंक की जो कैप है, और फिर इसको बंद करने के लिए इसको यहाँ पे रख के प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। इसके बाद इस की को निकालें और इंसर्ट कर दें, इसको ऑफ। ये जी इसका डिपर का जो है ऑप्शन ये है, डिपर के बाद सेकंड अगर इसकी बात की जाए तो ये मैंने इसके अंदर फोग लाइट्स लगवाई थी, ये तकरीबन 35 वाट की एक लाइट है। इस तरह की दो लाइटें इसमें लगी हुई हैं लेफ्ट राइट पे, और ये भी चौधरी आटोस से मंगवाई थी। यहाँ पे इसका एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, उस रिफ्लेक्टर को मैंने उतार के उसके ऊपर ये वाली जो है फोग लाइट्स लगवाई थी, ये यहाँ पे। एक वार्शल रखवाई और उसके ऊपर जो इसको मैंने लगवा दिया। फोग लाइट्स जो हैं ये मैं आपको चेक करवाया देता हूँ कि इसकी लाइट इनकी कितनी है। मैंने इन फोग लाइट्स को ना इस डिपर के ऊपर रखवाया है, ये आप डिपर प्रेस करेंगे तो ये आपकी फोग लाइट्स ऑन हो जाएंगी, साथ आपके जो है मेन बल्ब वो भी ऑन होगा। अच्छा, उसके बाद ये सुजुकी का लोगो, ये इसका ग्लास, अब इसमें सीन ये है कि जिस वक्त आप इसकी लाइट ऑन करेंगे तो जस्ट ये वाली ऑन होगी सिंगल, लेकिन जब आप इसको हाई बीम ऑन करेंगे तो साथ ही आपके जो फोग लाइट्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली इसके साथ ऑन हो जाती हैं। और अगर आप देख पाएँ तो इसकी जो लाइट है वो सामने दिन के वक्त भी आपको दरख्त पे नज़र आ रही होगी, चेक करें। उसके बाद मैंने इस टोटल बाइक के ऊपर जो है ब्लैक कलर की रैपिंग करवाई है, ब्लैक पेपर चढ़वाया था, लेमिनेशन करवाई है टोटली। उसकी वजह से एक तो बाइक की प्रोटेक्शन हो गई, दूसरी इसकी खूबसूरती में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया। सीट पोशिश करवाई थी क्योंकि इसकी जो सीट अपनी होती है वो बहुत प्लेन होती है, तो ये रैगजीन वाली है, एक पोशिश इसके ऊपर मैंने चढ़वाई थी पूरी बाइक के ऊपर, दानेदार है। बैक लाइट जो है इसकी, टेल लाइट काफ़ी तेज़ होती है, उसके ऊपर मैंने एक पेपर चढ़वाया, उसके ऊपर अपना नाम लिखवाया, ये बिल्कुल ब्लैक कलर में, और ये रात के वक्त काफ़ी नज़र आती है, ये नहीं कि इसके ऊपर पेपर चढ़ाया तो कुछ छुप जाए या पीछे से आने वालों को पता ना चले, तो इसकी काफ़ी तेज़ लाइट है। यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने की जगह नंबर प्लेट लगाई, ये इसका इन्होंने रिफ्लेक्टर दिया ताकि अगर आपकी लाइट ख़राब हो जाए बैक लाइट तो ये रिफ्लेक्टर जो है ये पीछे से आने वाली गाड़ियों को बता सके कि आगे कोई चीज़ जा रही है। अच्छा जी, उसके बाद अगर इसके शॉक्स की बात करें तो शॉक्स गरम, सही, ये इसकी इसकी मदद से आप इसको हार्ड भी कर सकते हैं, शॉक्स को नरम भी कर सकते हैं। मैंने अभी बिल्कुल सॉफ्ट पे रखा हुआ है, अगर आप इसको इस साइड पे घुमाएं तो ये हार्ड हो जाएगा, उसके बाद इस बाइक पे जो है वो जंप मतलब कि सख्त हो जाएगी, हार्ड हो जाएंगे। अच्छा, इसकी जो रिम पट्टी है इसके ऊपर, ये देखिए मैंने रिम के ऊपर एक पट्टी चढ़वाई थी, मुझे दराज से मिली थी 550 की, ये पूरे रिमों के ऊपर ये मैंने चढ़ाई है, उसकी वजह से इसकी जो रिम्स हैं उनकी खूबसूरती में इजाफा हो गया। इसी तरह ये फ्रंट वाले रिम पर भी लगाई हुई है। ये इसकी साइलेंसर पट्टी, साइलेंसर पट्टी के ऊपर मैंने ये पेपर चढ़वाया था मुकम्मल, और ये इसकी डिज़ाइनिंग बनवाई थी, क्योंकि इसकी कोई ख़ास डिज़ाइनिंग सुजुकी की तो है नहीं, फिर मैंने ये लगवाई। अगर इसकी ये फुटरेस्ट की बात करें तो ये बहुत सॉफ्ट है,
अच्छा एक सबसे बड़ी गारे वाली बात है मड की, कि मैंने एक मड फ्लैप लगवाया था यहाँ पे, ये इसका मड गार्ड यहाँ पे एंड हो जाता है यहाँ पे, तो जो ये वाला गैप है यहाँ से टायर बहुत गारा फेंकते आगे, तो इसका जो फ्रेम है सारा गंदा हो जाता था, तो यहाँ पे ये मड फ्लैप लगाया जिसकी वजह से जो गारे की काफ़ी बचत हो गई है। ये पीछे देखें, पीछे इसका गारा टोटली, उसके बाद ये इंजन की जो ये वाला साइड टॉप है इसके ऊपर मैंने ब्लैक पेपर लगवाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पाउंड लगते हैं तो इसका जो कलर है वो ख़राब हो जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे पेपर लगवाया था। और इसकी जो किक है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब अगर कोई छोटा बच्चा है वो भी इसको स्टार्ट करना चाहे तो इस किक की मदद से वो इजीली बाइक को स्टार्ट कर सकता है, या आप इसको हाथ से भी नीचे लेके आए तो स्टार्ट हो जाती है, या जो बुज़ुर्ग आदमी हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मतलब कि वो जिनकी कमर में पेन है अगर उनकी उस टाइम सेल्फ काम नहीं कर रहा तो आप इसकी किक की मदद से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये इसका कार्बोरेटर है, इसको टिक्की वाला कार्बोरेटर बुलाते हैं, ये इसकी मदद से जो है आप इसकी रेस थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। और ये कार्बोरेटर जो है ये ख़राब नहीं होता, अगर ख़राब हो जाए तो इसकी कीमत जो है वो तकरीबन 12,000 रुपये है, बहुत अच्छी क्वालिटी में कार्बोरेटर है। उसके बाद आते हैं जी सेफ़ गार्ड की तरफ, ये सेफ़ गार्ड मैंने इसके ऊपर लगवाया था, ये मुझे दराज से मिला था या फिर चौधरी ऑटो से लिया था या दराज से, ये मुझे ख़ास याद नहीं। ये आयरन प्रो पी के इसके ऊपर इनका जो है लेबल लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है, और ब्लैक कलर में यहाँ पे आप कोई चीज़ लटका सकते हैं। इसके साथ ही इन्होंने दो रिफ्लेक्टर्स दिए हैं, एक इस साइड पे और एक उस साइड पे। अब इसको लगाने के लिए सबसे बड़ा मसला था कि इसको फिट कैसे करें, तो यहाँ पे ट्यूब के टुकड़े रखे एक नीचे और एक ऊपर, इनकी मदद से ये है कि इसके ऊपर जो इसका फ्रेम है उसके ऊपर एक तो निशान नहीं पड़ेंगे और उससे मज़बूत हो गया ताकि घूमे ना हरकत ना करे। अभी ये है कि ये हरकत नहीं करता और बड़ा ज़बरदस्त इसकी जो है वो फिटिंग बहुत ज़बरदस्त है। इसके ऊपर ये हारन लगे हुए हैं, हारन इसकी यहाँ पे एक पतरी थी उसके ऊपर मैंने लगवाए हुए हैं। फिर शॉक्स पे सुजुकी लिखवाया लेकिन ये जो है वो थोड़ा ख़राब हो गया, अभी इसको दोबारा लगवाना है। इसी तरह यहाँ पर ये रिम पट्टी लगी है जिसके ऊपर सुजुकी लिखा हुआ है। अब मसला इस बाइक की ना सबसे बड़ा ये है कि ये जो जब आप इसको चलाते हैं तो ये जो मड है गारा, ये यहाँ से इसके टायर से तकरीबन यहाँ तक ये गारा फेंकता है मुकम्मल। अगर आप स्पीड में जा रहे हैं कहीं पे जा रहे हैं तो ये फ्रेम, इवन के यहाँ पे आपके जो पाँव हैं उनके ऊपर भी सारा गारा ही गारा होता है, आपके पाँव तक कोई गंदा कर देता है। मैंने फिर इसके ऊपर ये जो है नेट से मंगवाया था एक मड फ्लैप, यहाँ पर मैंने सुराख करवाए, इस मड फ्लैप को यहाँ पर लगवाया, उसके बावजूद भी जो ये पीछे फ्रेम है इसको भी गंदा करता था और ये नीचे सारे यहाँ पे गारे ही गारा होता था। फिर मैंने एक मड फ्लैप ये लगवाया, ये थोड़ा नीचे करके लगवाया, जब मैं किसी जंप से लगता हूँ गुजरता हूँ तो ये उसके साथ टकराता है, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है कुछ नहीं, अगर इस पर गारा हो तो साफ हो जाता है। ये इसके सेल्फ की मोटर है, ये नीचे लगवाने का मकसद ये है कि गारा पीछे ना जाए, पहले मैंने इसको ऊपर लगवाया था लेकिन गारा फिर भी पीछे जाता था, अभी ये देखें यहाँ तक गारा है तो इसकी मदद से यह है कि गारे की कुछ बचत हो जाती है, गारा पीछे नहीं जाता। अब चलते हैं इसकी फ्रंट पे, तो नंबर प्लेट लगवाने की इस पर कोई जगह नहीं थी, मुझे कोई ख़ास नज़र नहीं आई क्योंकि एक तो इसकी वायरिंग वाला पाइप जा रहा है और ये इसके नट है, लेकिन यहाँ नंबर प्लेट लगवाना मुश्किल था, बुरी भी लगती थी, तो इसका जो वाइज़र है इसके ऊपर मैंने टेप जो होती है पेपर वो कटवा के नंबर लगा दिया है। ये वाजिया भी है, दूर से नज़र भी आता है और इसका कोई इशू भी नहीं है। इसका जो मड गार्ड है इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे, मैं एक मिनट जूम करके दिखाता हूँ अगर आपको नज़र है, हाँ ये पतरी देख रहे अंदर वाली साइड पर,
ये प्लास्टिक है, इसके अंदर ये वाली जो उन्होंने पतरी दी हुई है ये इसकी तकरीबन हार्ड है, मेटल कह सकते हैं या जो भी है, लेकिन ये हार्ड है। और यहाँ पे एक फॉर्म दिया हुआ है ताकि इसका मड गार्ड हिले ना, उसमें कोई आवाज़ ना पैदा हो। इसी तरह यहाँ पे भी ये डबल पतरी है, ये एक है और एक उसकी दूसरी साइड पे। ये जंप में थोड़ा लगा था तो जो है मड फ्लैप है यहाँ से क्रैक हो गया था, ये टूट गया था। हाँ, ये इसका इस साइड से इंजन की जो है आप फ्यूल काक हो गई, ये इसकी जी कार्बोरेटर हो गया, ये इसकी उन्होंने कोई अर्थ की तार दी हुई है। उसके बाद ये मैंने पेपर चढ़वाया था, एक ये पेपर है और चैन कवर जो है इस पर मुकम्मल पे चैन कवर पे पेपर लगवाया हुआ ताकि ये गंदा ना हो। साथ इसकी जो गियर वाली ये है गियर शिफ्ट, इसके ऊपर भी पेपर लगवाया हुआ टोटल। अब ये काम कैसे करती है, ये जस्ट यहाँ पे है, इसका आगे कोई काम नहीं है, ख़त्म। इसके साथ जो गियर चेंज करने के लिए उन्हें शाफ्ट दिया वो ये है और ये काम करती है। इसी तरह यह फिर सेकंड इसका फुट रेस्ट आ गया, बहुत नरम, शॉक्स भी वैसे नरम। ये मैंने इस बाइक के अंदर चंद चीज़ें लगवाई हैं, कोई ख़ास साइंस नहीं है। इसकी अगर क्वालिटी की बात करें तो ओवरऑल जो इसकी क्वालिटी है वो तो अच्छी रखी है, लेकिन ये आप इसका इशारा देखें, ये देखें, कोई जाम पाए तो ये थोड़ा ना आवाज़ करता है। इसी तरह इसकी जो ये प्लास्टिक है ये वाली, इस प्लास्टिक में से भी एक अजीब सी आवाज़ आती रहती है, जैसे कोई चीज़ टूटी हुई है या कोई ख़राब है, कोई इस तरह की आवाज़ देता रहता है। लेकिन ये जो क्वालिटी है ना इनके इशारों की, ये कुछ बेहतर कर सकती थी कंपनी, लेकिन मुझे समझ नहीं लगती कि उन्होंने इसको क्यों बेहतर नहीं किया। ये बड़ी हल्की क्वालिटी के हैं, मतलब इशारे अच्छे हैं, इंडिकेटर्स अच्छे हैं, इनकी कोली सब कुछ अच्छी है, लाइट भी इनकी बहुत ज़बरदस्त है, लाइट की तरफ से कोई इशू नहीं। इशू है तो इस रबड़ का, ये देखिए इसमें इतनी लचक रहती है, लचक बेशक होनी चाहिए ताकि टूटे ना, लेकिन आवाज़ नहीं होनी चाहिए। और मैंने इसके अंदर जिक का ऑयल डाला था, वो आई थिंक 40/50 जो होता है या 55 होता है वो, लेकिन फिर मैंने बाद में फ़ौरन सुजुकी का जो उसका जेन्युइन ऑयल है वो डलवाया था। उसके बाद ये बाइक बिल्कुल ज़बरदस्त चल रही है। एक मुझे इसकी बात सबसे जो बुरी महसूस हुई है वो ये है कि यहाँ से आपको जो है इसका ना रंग उतरा उतरा महसूस होगा, ये कलर, एक ये कलर उतरा हुआ है। सेकेंडली यहाँ से अगर नज़र आए तो ये सामने देख रहे हैं इसका जो ब्लैक कलर है मड गार्ड का, वो कलर उतरा हुआ है। कलर क्वालिटी जो है ना इसकी, वो कंपनी ने बड़ी लो रखी है। इसी तरह यहाँ पे ये सेल्फ वाली मोटर पे देखें, यहाँ से कलर उतरा, एक दो जगह से इसका जो कलर है वो और उतर गया। क्वालिटी जो है कलर की वो मेरे हिसाब से इन्होंने अच्छी नहीं रखी, कलर जो है इसका बहुत जल्दी उतर जाता है। बस इस पे एक हॉर्न बहुत ज़बरदस्त, और इसकी जो ओवरऑल जो इसकी चलाई है वो बहुत ज़बरदस्त है, कंफर्टेबल जो है, आरामदेह है बाइक। इस पे आप सफ़र करें, लॉन्ग ट्रेवल पे टूर पे जाएँ तो आपको थकाएगी नहीं बाइक, इतना महसूस नहीं कर रहा है कि इसकी जो सीट है वो भी ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। और जो इसके ये इन्होंने हैंडल गार्ड्स दिए हैं ये बहुत वज़नी है। कुछ दिन पहले मैंने इसको बाहर निकाला था, ये एल की यहाँ पे लगी होती है, एल की मदद से आप इसको टाइट भी कर सकते हैं, इसको ओपन भी कर सकते हैं। इसको निकाला था तो इसका वेट मुझे काफ़ी ज़्यादा महसूस हुआ था, काफ़ी वज़नी है, और ये अगर बाइक गिर भी जाए तो ये उसका प्रोटेक्ट करती है, कुछ निशान नहीं पड़ने देती। और सबसे जो इसकी मुझे मज़े की चीज़ लगी है वो इसके मिरर्स हैं, मिरर इसके बहुत कमाल के इन्होंने दिए, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, एक मैंने इसके अंदर
जैसे ये वाला बटन आपको नज़र आ रहा है, ये इसका काम ये होता है कि जिस वक्त आप फ्रंट ब्रेक को प्रेस करते हैं तो बैक लाइट ऑन होती है। सुजुकी का सबसे बड़ा इसमें 110 का प्रॉब्लम ये था कि अगर आप इसको गियर में खड़े हैं, गाड़ी न्यूट्रल नहीं है, आप जैसे सेल्फ का बटन दबाते हैं तो ये बाइक भागना शुरू कर देती थी। घर में खड़ी है, बच्चे अगर इस बटन को प्रेस करें तो ये बाइक गिरने का इसका खतरा था। ख़तरा क्या है, बच्चों की टांगें टूट सकती थी। फिर मैंने यहाँ पे इसकी जगह तो बनी होती है स्पेशल, मैं नीचे से दिखाता हूँ आपको कहाँ गया ये रहा, यहाँ पे जगह तो बनी होती है, लेकिन उन्होंने कंपनी ने यहाँ पे स्विच कोई नहीं दिया हुआ था किसी किस्म का भी। तो यहाँ पे जो है इस जगह जी मैंने जी यहाँ पे स्विच जो है वो फ्रंट ब्रेक वाला लगवाया और इसका ऐसा सिस्टम करवाया कि अगर ये बाइक आपकी गियर में खड़ी हो, आप इसको सेल्फ दबाएंगे, सेल्फ का बटन, तो ये कभी स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि आप इसका क्लच ना प्रेस कर लें। क्लच जो है इसका वो प्रेस करेंगे तो ये बटन रिलीज़ होगा, रिलीज़ होने के बाद इसका करंट पास होगा और ये बाइक स्टार्ट होगी। लेकिन जब न्यूट्रल है तो फिर क्लच दबाने की कोई ज़रूरत नहीं। उससे पहले मैंने इसकी एक सेटिंग इसमें जैसे रिमोट किट लगवाई, तो रिमोट किट में ये है कि जिस वक्त बाइक आपकी तीसरे गियर में बंद हो जाती थी तो स्टार्ट करने के लिए उसको सबसे पहले न्यूट्रल करना ज़रूरी था, न्यूट्रल करने के बाद ये स्टार्ट होती थी, उससे पहले नहीं होती थी, तो उसका भी नुकसान था। अच्छा, तो बाइक की ना न्यूट्रल का प्रॉब्लम ये था कि अगर आप सम टाइम किसी रश वाली जगह पे खड़े हैं तो अचानक से बाइक बंद हो जाती है तो उसको स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता था। पीछे ट्रैफिक होती है तो जब तक आप इसको न्यूट्रल नहीं करते थे तब तक ये स्टार्ट नहीं होती थी। उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम थी कि फंस गए हैं, बाइक आपकी तीसरे चौथे गियर में बंद हो जाती है, दूसरे तीसरे में, तो पहले इसको न्यूट्रल करना ज़रूरी है। लेकिन जब ये मैंने बटन इसके अंदर स्विच इंस्टॉल करवाया तो उसका ये है कि जैसे ही आपकी गाड़ी तीसरे गियर में बंद होती है, दूसरे में, आप क्लच प्रेस करेंगे तो सेल्फ दबाएं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। उसमें यह है कि बच्चों से भी प्रोटेक्शन है कि ना आपकी बाइक खड़ी सेल्फ पे, आदमी भूल जाता है बटन प्रेस करता तो ना बाइक गिरेगी और ना ही बच्चे इसको गिरा सकते हैं। और सेकंड जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि रश में आप इसको इजीली निकाल सकते हैं बगैर गियर निकाले। अच्छा, एक इसका जो सबसे बड़ा इशू है वो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत कम है, ये देखें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कोई 6 से 8 इंच का जो है ना इसका ग्राउंड क्लियरेंस है नीचे। ये जब आप जंप वगैरह से कहीं से गुजारें स्पीड में तो ये बाइक नीचे लगती है। उसका बेहतर हाल ये है कि आप इसका जो है ये इसके जो शॉक्स हैं इनको आप हार्ड करें तो फिर ये जंपों में नहीं लगेगी, लेकिन ये फिर खड्डे जो हैं ज़्यादा महसूस करवाती है, तो खड्डे ज़्यादा महसूस होंगे, आपकी कमर में पेन होगा। बेहतर है कि आप इसको स्लो, इसको मतलब जंपों से गुजारने के लिए इसको स्लो करें, स्पीड में ना गुजारें, और शॉक्स जो है इसके नरम रखें। इसकी शाखों की जो मूवमेंट है बड़ी ज़बरदस्त है। और एक मुझे इसमें एक इशू था, मतलब इशू तो नहीं लेकिन एक मेरे लिए प्रॉब्लम थी, अगर ये बाइक आपकी पंक्चर हो जाती है तो इसमें आपको इतनी जल्दी नहीं पता चलता कि ये पंक्चर हो गया या नहीं। 70 में तो होता है ना, जैसे ये पंक्चर होती है तो आपको उसी टाइम पता चल जाता है कि ये पंक्चर हो गई है। इसमें वो वाला सीन बिल्कुल नहीं, पंक्चर होती है, हवा निकल जाती है, जब रिम आके लगता है टायर पे उसके बाद आपको महसूस होता है कि यार बाइक पंक्चर हो गई है। और ये इन्होंने मेरे ख्याल में यूरो का कोई सिस्टम दे रखा है, एक इससे पाइप निकल के इंजन की तरफ जाता है बैक साइड पे फिल्टर की तरफ, एक जो है ये वाला पाइप निकलता है और ये सीधा इंजन में जाता है, ये ब्लैक कलर का। बाकी क्वालिटी के लिहाज से बिल्कुल ओके है। पेंट मुझे इसका थोड़ा सा जो पेंट में इशू है, इंडिकेटर्स की थोड़ी है। सेकंड जो कंपनी ने इसमें ये वाला बटन नहीं दिया ना, ये सबसे बड़ा मसला है। बाकी 100% ओके, जिन भाइयों ने लेनी है इसको लें, किसी किस्म का इस पर कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। इसका चैन जो है बहुत मोटा है, चेन इसकी बहुत मोटी ज़बरदस्त क्वालिटी की है, अच्छी चलती है।
और मेरी आदत है कि इसकी जो ब्रेक है मैं इसको बिल्कुल टाइट करके रखता होता हूँ, मतलब कि जैसे ब्रेक प्रेस करें तो आपकी बाइक जो है वो जाम हो जाए। तो मुझे पिछले दिनों में ना ये जो ब्रेक वाला सिस्टम है ये यहाँ पे पहुँच गया था, इतना मुझे पिछले दिनों महसूस हुआ यार इसकी ब्रेक जो है वो काम नहीं कर रही, इसके जो लेदर हैं ख़त्म हो गए, मुझे लेदर चेंज करवाने चाहिए। फिर मैं इसको लेके गया शोरूम, शोरूम वाले ने इसका जो ये स्प्रिंग है इसको उससे ऑयल दिया, ये जाम हुआ था क्योंकि वर्किंग नहीं करती थी, ब्रेक फुल आगे आई थी। अब ये देखें ब्रेक में इतनी प्ले है। तो मुझे उन्होंने बताया कि इसके कम से कम लेदर जो है 35-40 हज़ार किलोमीटर चलते हैं, 35-40 हज़ार के बाद ये चेंज होते हैं। तो आपकी तो अभी बाइक 4 हज़ार चली है तो इतनी जल्दी ये ख़त्म नहीं हो सकते। ऑयल जो है मैंने इसमें फिर सुजुकी का डलवाया और इसकी कोई किसी किस्म की कोई ट्यूनिंग नहीं हुई, मतलब कि इसके जो टैपिट हैं उनको उसने नहीं छेड़ा, किसी चीज़ को नहीं छेड़ा, जस्ट ऑयल डाला। यहाँ वाला जो टप है इसको ओपन किया साइड वाले को, इसमें से एयर फिल्टर निकालो, उसको हवा लगवाई। इसमें इसका जी सॉरी मैंने पहले आपको सेल्फ वाली मोटर की, इसमें फ्यू ऑयल फिल्टर होता है यहाँ पे, इस ऑयल फिल्टर को यहाँ पे ये ऑयल फिल्टर होता है इतना। इसकी जो मोटर है सेल्फ वाली ऊपरली साइड पे, इसको ओपन करते हैं, इसमें ऑयल फिल्टर होता है उसको चेंज करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी आपका अभी ऑयल फिल्टर बिल्कुल फ्रेश पड़ा, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो चेंज नहीं किया। अच्छी क्वालिटी का जो है इसका ऑयल फिल्टर वो 500 तक है, 450-500। लो क्वालिटी लें तो लो क्वालिटी आपको मिल जाएगा तकरीबन 150 का। लाइट्स इसकी ऐसी हैं कि रात को जिस वक्त आप आएँ तो आपको ऐसे महसूस होगा कि पीछे से कोई, मतलब जो सामने आ रहा था एक दफा अंधा हो जाता है उसको महसूस होता है पीछे गाड़ी आ गई। और ये मैंने लगवाई सिर्फ उन लोगों के लिए जो LED या HIDs ऑन करके आ रहे होते हैं और वो डाउन नहीं करते, ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं कि वो बंद करें। अच्छा एक और मज़े की बात, इसका जो स्टैंड अगर आप कभी गलती से ऊपर करना भूल जाएँ तो जैसे ही आपको जंप आपको कोई लगे या कहीं पर टकराता है तो ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाता है। इसमें बाइक को कोई झटका नहीं लगता कि कोई झटका लगे, कोई आपकी बाइक गिरने लगे जैसे 70 में होता है, वो चीज़ इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। जंप लगेगा ये ऑटोमेटिकली जो है ये स्टैंड जो है ऊपर हो जाता है। और मेरे ख्याल में इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं, कुछ हुआ तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम जो वीडियो है या जो इसकी मेंटेनेंस होगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर कोई सवाल है किसी किस्म का है, कोई चीज़ ऐसी पार्ट जो आपको इसकी समझ नहीं आ रही है, वो दोस्त जिन्होंने बाइक रखी है उनको नहीं पता चल रहा, वो इजीली कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। कुछ भी है कोई किसी किस्म का सवाल इस किट रिमोट के मुतल्लिक, जो ये स्विच लगवाया इसके मुतल्लिक, जो ये मैंने बटन लगवाए हैं या ये लाइट्स, और ये लाइट्स जो हैं ये बिल्कुल वाटरप्रूफ हैं, इनमें कोई पानी नहीं जाता, टोटली ये वाटरप्रूफ हैं और इनकी बहुत तेज़ लाइट है, बिल्कुल ये वाटरप्रूफ हैं। आप बिला झिझक इनको अपनी बाइक पे लगा सकते हैं, इन पे पानी डालें प्रेशर इवन के मैं तो इसको वॉश करता हूँ और प्रेशर के साथ इसमें पानी डालता हूँ तो इसमें कोई किसी किस्म का पानी नहीं जाता, बिल्कुल ही ये वाटरप्रूफ हैं। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल को लाइक भी करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब जो है करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।